देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने से पहले हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज का जो ध्यान रखना होता है वो होता है राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन। कहीं हम ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, या कहीं हम ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं जो आगे जाके डिसकंटिन्यू हो जाए या फिर उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाए, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आगे जाके आपको सेल ना मिले, या हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे स्टॉक जो है वो डेड हो जाए। तो इस चीज़ को कैसे ध्यान में रखना है वो चीज़ आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको राइट प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करना है। देखो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है जिसको आप सेल कर सकते हो, जेनरिक सेल कर सकते हो या ना बिना किसी ब्रांड के, या फिर आप जो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल कर रहे हो उसे भी लिस्ट कर सकते हो। आगे जाके आप अपनी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ट्रेडमार्क भी बनवा सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और आप चाहें तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं इनिशियल स्टेज पे, सो दैट आपको पता चल जाए कि कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा डिमांड है और उस प्रोडक्ट को आप बाद में जाके ट्रेडमार्क करवा सकते हो। आज का ये वीडियो थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू नहीं किया और शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ लोग जो अभी थोड़े से प्रोडक्ट लाके जिन्होंने ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट की है उनको भी मैं बताने वाला हूँ कि अब आपको आगे क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम है तथासु, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कनेक्शन बिजनेस पे। चलिए सबसे पहली चीज शुरू करते हैं कि हमें समझना होगा नो द डिमांड, डिमांड को जो है मार्केट की डिमांड को समझना होगा। ध्यान से इस पर्टिकुलर सेक्शन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको शायद आपने नहीं समझा होगा, नहीं देखा होगा आज तक YouTube के ऊपर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट की डिमांड को कैसे पता करें कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, क्या करना है आपको। सबसे पहले ये मैं काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आपको Amazon के बेस्ट सेलर्स में आना है, और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर आप बार बार Amazon के बेस्ट सेलर ही क्यों बताते हैं या Amazon पे क्यों चीज़ें सारी क्लियर करते हैं, क्योंकि Amazon का जो डेटा है ऑथेंटिक है। Amazon काफ़ी सारे अलग अलग कंपनीज को अपनी API एक ऐसा कोड प्रोवाइड करता है जिससे वो कंपनीज Amazon का डेटा फैच कर लेती है और बताती है कि कौन से प्रोडक्ट पे कितनी सेल आ रही है, कौन से प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट बन रहा है, वो सारी चीज़ें बता देती है। उस बारे में मैं आगे आपको कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन Amazon का जो डेटा है वो ऑथेंटिक होता है और उसके ऊपर जो डेटा आ रहा है वो आपको काफ़ी हद तक ये बता देता है कि मार्केट में किस तरीके के प्रोडक्ट डिमांड में चल रहे हैं। अभी हम चलते हैं फ्री तरीके पे, जो है फ्री मेथड, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में अभी क्या डिमांड चल रही है। सबसे पहले आपको Amazon की साइट पे आना है, तो हम चलते हैं सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां पर चल के ये सारी चीजें कवर करते हैं। देखो, Amazon की साइट पे आके कुछ नहीं करना है, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो भी नया प्रोडक्ट जिस पे बहुत सारे रिव्यूज आ गए हैं उस प्रोडक्ट से आइडिया ले सकते हो, लेकिन वैसा का वैसा प्रोडक्ट मत सेल करना। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो मार्केट में ऑलरेडी चल पड़ा है और उससे कंपटीशन में आने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें इनिशियल स्टेज पे न्यू और यूनिक प्रोडक्ट्स को देखना है, ढूंढना है। यहाँ पर बेस्ट सेलर करके एक चीज़ आपको दिख रही होगी, अगर आप देखेंगे ये वाला, ये एक बेस्ट सेलर आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, बस यहाँ से फाइंड नहीं करना है। आपको लग रहा होगा, अब मैं बताऊँगा कि सर यहीं से आप फाइंड करना है क्या, नहीं। आपको क्या करना है, दो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है हॉट न्यू रिलीज, मूवर्स एंड शेकर्स, मोस्ट विश फॉर और मोस्ट गिफ्टेड। तो आप एक काम कर सकते हैं, मूवर्स एंड शेकर पाएंगे। जैसे ही आप मूवर एंड शेकर पाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलेगी। ठीक है, इस कैटेगरीज में से लेट्स अज्यूम हम क्लोथिंग कैटेगरी में जाते हैं, तो यहाँ पर आप क्लोथिंग एंड एसेसरीज में आएंगे, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तब आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट्स अभी आपको बेस्ट सेलर दिख रहे हैं ये नए प्रोडक्ट हैं। जैसे इस प्रोडक्ट के ऊपर 9 रिव्यू आए, तो ये इस टाइप के प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में अच्छे चल रहे हैं जिनको कहा जाता है कोऑर्ड सेट। ठीक है ना, तो ये इस टाइप के अभी मार्केट में बहुत चल रहे हैं, जो लोग दोनों, जो ये अपर और लोअर होता है वो एक जैसा पहनना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स अभी ये बता रहे हैं कि आप सेल कर सकते हो। यहाँ पर और भी कैटेगरीज है, जैसे ये टी शर्ट्स हो गए। अब देखो यहाँ पर इसके 40,000 रिव्यूज है, तो आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप नहीं बेच पाएंगे 599 में इस तरीके के प्रोडक्ट। अब किस तरीके के प्रोडक्ट हम लाएं जिससे हमारे भी प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में आ जाए, बेस्ट सेलर की कैटेगरीज में, कैसे प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें, इसलिए अब हमें Amazon से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम आएंगे Facebook की एड्स लाइब्रेरी पे। शायद कुछ लोग जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे, कैसे ढूंढना है, आपको गूगल पे आना है, Facebook एड्स लाइब्रेरी, आप यहाँ आएंगे, तब यहाँ पर आके आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे सपोज करो
क्लोथिंग से रिलेटेड कोई कंपनी है जो टी शर्ट सेल करती है, जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है द सोल्ड स्टोर, एक कंपनी जिसका नाम है बेवकूफ.com। तो हम एक एग्जाम्पल के लिए इनमें से, चलो बेवकूफ का हम एक एग्जाम्पल ले लेते। तो मैं यहाँ पर जो है एक कंपनी का नाम यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ऑल एड्स, और उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ मैं बेवकूफ। तो बेवकूफ की जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आ जाएगी, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो इनके जो एड्स है ना, जितने भी एड्स चल रहे हैं वो एड्स हमें यहाँ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये दर्शाता है कि मार्केट में अभी इस तरीके के प्रोडक्ट चल रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं, तभी ये जो है कंपनीज इसके एड्स रन कर रही है। इन्हें अपॉर्चुनिटी लग रही है कि इस तरीके के प्रोडक्ट हम सेल करेंगे तो ये बिक सकते हैं, ये प्लेन टी शर्ट्स। एक और कंपनी है जो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा जिसका नाम है द सोल्ड स्टोर, ठीक है, द सोल्ड स्टोर। मैंने इसको ओपन किया, अब देखिए द सोल्ड स्टोर किस तरीके के प्रोडक्ट, इस तरीके के प्रोडक्ट इस एड को ये चला रहे हैं। तो ये कैसा प्रोडक्ट है ये देखिए, यहाँ पर आप आएंगे तो आपको ये बताएंगे कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स, इस तरीके के, देखो अभी तक नॉर्मल टी शर्ट्स हर कोई पहन रहा है, प्लेन टी शर्ट, लेकिन लोगों के आजकल ओवर साइज में इस तरीके के आप प्रोडक्ट देखेंगे तो वो लोगों ने खरीदने चालू किए हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप इस तरीके के मेथड में जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप ऐसे अपनी कैटेगरी के प्रोडक्ट को सर्च करेंगे और उसके बाद आप इसमें उतरेंगे और इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। दूसरी जो चीज़ है, अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करो। अब देखो कॉम्पिटिटर को एनालाइज करने से मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। आप अमेजोन की साइट पर आते हो, आपने सोचा है कि मैं टॉय सेल करूंगा। तो एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि चलो आप टॉय सेल करना चाहते हैं, आपको खिलौने सेल करना है, तो आप यहाँ पर आएंगे और आप यहाँ पर लिखेंगे टॉयज फॉर किड्स। आपने यहाँ पर लिख दिया टॉयज फॉर किड्स, तो यहाँ पर सारे खिलौने आ गए। अब क्या आपको लगता है कि आप ऐसा प्रोडक्ट जो है लाएंगे, पिनबॉल जो मार्केट में ऑलरेडी 1499 में, तो जैसे सपोज करो मैं लिखता हूँ पिनबॉल मशीन फॉर किड्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पिनबॉल मशीन फॉर किड्स, एक काइंड्स हो गया, इसको मैं किड्स कर देता हूँ, ये यहाँ से ठीक कर लेता हूँ, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो गया, ठीक है। अब आप देखिए कि पिनबॉल मशीन फॉर किड्स में एक ये भी सेल कर रहे हैं, इससे रिलेटेड ये पिनबॉल गेम ये भी सेल कर रहे हैं। तो आप देखो गलती क्या हो रही है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है आप देख रहे हैं, इसको कौन सेल कर रहा है, कैमसंस करके कोई, कैमसंस मिनी आर्केड, सेम प्रोडक्ट, और यही एक प्लूटो फिट करके एक कंपनी और है वो भी सेल कर रही है, ठीक है, और इससे ही मिलता जुलता एक विक्री डीए करके एक है वो भी सेल कर रहा है। तो आप मुझे बताओ कि 1575 में ये प्रोडक्ट जो 1575 में ये सेल कर रहे हैं, क्या इनको सेल मिलेगी 1599 में जो 1447 में ये सेल कर रहा है, इससे जो है मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट गेम प्रोडक्ट है ये। आपको ये देखना पड़ेगा जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं क्या मल्टीपल सेलर वैसा का वैसा प्रोडक्ट तो सेल नहीं कर रहे हैं। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा रिसर्च करके मिलेगा, आपको इस चीज़ का पता, आप जब रिसर्च करेंगे अमेजोन की साइट पे आगे तब पता चलेगा कि आपके अंदर यहाँ पर क्या गलती हो रही है और कौन सा प्रोडक्ट लोग जो है सेल कर रहे हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट, एक जैसा प्रोडक्ट सेल करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। ऐसा प्रोडक्ट मत लाइए बिल्कुल वैसा का वैसा जो मार्केट में चल रहा है, ठीक है। थोड़ा अपना आइडिया लगाएं, थोड़ा अपना तरीका लगाएं, थोड़ा अपना यूनिक प्रोडक्ट लाएं जिससे आपको फायदा मिल सकता है। अब यूनिक प्रोडक्ट कैसे लाना है, क्या लाना है, उसकी बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड यूनिक प्रोडक्ट। यूनिक प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए अगर आपके पास कैपिटल है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप चाइना के वेंडर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर बात है कि काफ़ी सारे ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स चाइना से प्रोडक्ट बनवाते हैं। हम छोटी से छोटी चीज़, मोबाइल हो गया आज यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ चाइना में बनती है और बहुत सारे टॉयज़, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो चाइना में बनते हैं। अगर आपके पास कैपिटल है गो टू चाइना, नहीं है कोई बात नहीं, गो टू दिल्ली। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे वेंडर्स मिलेंगे जो आपके प्रोडक्ट्स लाने में चाइना से आपकी मदद कर सकते हैं, या फिर आप उनसे जाके मिलिए और आप सर्च करिए, जो भी प्रोडक्ट आप हाथ में लेके देखेंगे तो आप चेक करिए कि क्या ऐसा प्रोडक्ट मार्केट पे अवेलेबल तो नहीं है। ऐसे मुंह उठा के चले गए, ये 50 रुपये का, ये 100 रुपये का उठा के लिया यार, ये तो बिकेगा ही, और फिर लाके लिस्ट कर दिया, नहीं बिकेगा। उसके लिए आपको एक यूनिक प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप इंडिया मार्ट पे जाके भी जो है सर्च कर सकते हैं, कोई यूनिक प्रोडक्ट अगर आपको मिल रहा हो जिसकी मार्केट में डिमांड है और ऐसे प्रोडक्ट मार्केट प्लेस पे कम अवेलेबल है तो उन प्रोडक्ट को भी जो है आप लिस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके लिए पॉसिबल है, वर्थ है, तो आप किसी पेड टूल की मदद लीजिए। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी पेड टूल को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ वो AMZ स्काउट है। आप दूसरे भी ट्राई कर सकते हैं, जंगल स्काउट भी ऑप्शन आपके पास है, हीलियम 10 भी है,
और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो AMZ Scout टूल है, उसको भी इन टूल्स के माध्यम से आप किसी भी प्रोडक्ट को रिसर्च करके आप आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स अभी डिमांड में है, ट्रेंडिंग में है, उस पर कितनी सेल आ रही है, कितना बिजनेस आ रहा है, लास्ट मंथ पे उस पर कितनी सेल आई थी, कितना प्रॉफिट बन रहा है, वो सारी डिटेल्स इन पर्टिकुलर टूल्स में आपको मिल जाएगी। आपकी सहूलियत के हिसाब से आप जो टूल लेना चाहे ले सकते हैं। अगली जो चीज़ है कि प्रॉफिट मार्जिन हम कैसे निकालें। देखो, प्रॉफिट मार्जिन से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि प्रॉफिट हमने ऑलरेडी प्रॉफिट मार्जिन निकालने वाली या प्रॉफिट कितना बनता है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। ये प्लेलिस्ट आपको, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे और यूट्यूब चैनल पे आके जैसे आप यूट्यूब पे लिखते हैं कनेक्शन बिजनेस, हमारे चैनल पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कोर्सेज में आना है। जैसे ही आप कोर्सेज में आएंगे तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है ना, हाउ टू फाइंड ई कॉमर्स कोर्स, हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट लिस्ट, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ये जो आपको साइड में जितने भी वीडियोस दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरीज के प्रॉफिट मार्जिन का हमने पूरा का पूरा डेटा निकाल रखा है। आप यहाँ से देखकर भी जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्रॉफिट मिलता है अगर आप जैकेट सेल करते हैं, अगर आप किड शू सेल करते हैं, अगर आप होम डेकर में सेल करते हैं, अगर आप वॉलेट सेल करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हमने दे रखी है, हेयर ऑयल, सनग्लासेस सेल, टॉयज, परफ्यूम, साड़ीज, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज हमने ऑलरेडी इसमें कवर कर रखी है। तो आप भी इससे काफ़ी सारा चीज़ निकाल के फैच कर सकते हैं। और एट द एंड मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रोडक्ट आप सेल करेंगे आपका पहला फोकस ये होगा कि हम जेनरिक में टेस्ट करेंगे, प्रोडक्ट अच्छा होगा बिकेगा तो आगे की बात करेंगे। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि फ्यूचर में आपको इस प्रोडक्ट में या इस कैटेगरी में ब्रांड बनाना है, ट्रेडमार्क के लिए जाना है। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके प्रोडक्ट्स की और आपकी कैटेगरी की, आपके ब्रांड की सोशल मीडिया प्रेजेंस आपको देनी है। जितनी मेहनत आप Amazon, Flipkart और Meesho पे करेंगे उतनी की उतनी आपको सोशल मीडिया पेजेस पे भी करनी है। अपने Instagram पेज बनाने हैं और Facebook पे पेज बनाने हैं, YouTube पे वीडियोस डालने हैं, रील्स डालनी है, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ये सब अगर आप करते हैं तो आपका एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा, आपकी पूरी एक चारों तरफ से एक यूनिवर्सल एक तरीके से विजिबिलिटी बनेगी और हो सकता है कि कल को आपकी वेबसाइट पे कोई आके आपके Amazon से प्रोडक्ट परचेस कर ले या Amazon पे आके आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेस कर लें। तो इस चीज़ पे अगर आप जाएंगे तो आपको डेफिनेटली उससे हेल्प मिल सकती है। अगर आपको प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए, अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हैं तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की लिस्ट हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और यही प्रोडक्ट की लिस्ट हमारे जो ई कॉमर्स के कोर्स बंडल है उसमें फ्री में मिलती है। तो अगर आप कोर्स का बंडल लेंगे तो उसमें आपको ये लिस्ट फ्री में मिल जाएगी जिसमें 800 प्लस ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। और उसके अलावा आप दूसरा भी मेथड ट्राई कर सकते हो कि आप फ्री में भी इस तरीके से रिसर्च कर सकते हो। प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है जिसका लिंक मैं साइड में दे रहा हूँ, जिससे आप देखकर काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। इस पूरा देखिए और इसे सीखिए। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।